हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके चैनल फैंटेसी डॉक्टर में एक बार फिर से जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला है यहाँ पे इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर के बीच जो मैच होने वाला है यहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग का इस मैच की वीडियो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी एज ऑलवेज आपके लिए इस वीडियो में आपके साथ स्मॉल लीग की टीम प्लस ग्रैंड लीग की टीम प्लस बाय की पिक्स प्लस आपको वेदर न्यूज प्लस रिपोर्ट प्लस इंपॉर्टेंट रहेगी क्या रहने वाली है वो डिस्कस करने वाले हैं तो उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है जिसका नाम है फैंटेसी डॉक्टर आपको स्क्रीन पे नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारे टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है पर आपको हमारे टेलीग्राम की जो रियल और ओरिजिनल चैनल है उससे कैसे जुड़ना है आपको करना क्या है कि वीडियो के नीचे जहां कमेंट करते हो वहां आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर ब्लू कलर का लिंक होगा जैसे उस पर क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा देन उसको आपको ज्वाइन कर लेना है तो ध्यान रखना अगर आपको हमारे टेलीग्राम के सही और ओरिजिनल वाले चैनल के साथ जुड़ना है तो आपको लिंक का ही यूज़ करना पड़ेगा जो आपको वीडियो के नीचे कमेंट में दिया हुआ है तो ध्यान से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना जैसे मैंने आपको बताया और ध्यान रखना यह कि आपको जब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आपको सर्च करके ज्वाइन नहीं करना अगर आप सर्च करके ज्वाइन करते देता

बाई की पिक है क्या तो ऊपर है आपको आपको व्हाइट कलर का टैग दिखाई दे रहा होगा जैसे उस पर क्लिक करो एक वीडियो नीचे ओपन हो जाएगी उस वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख लेना आपको समझ आ जाएगा बाई की पिक्स है क्या तो फिलहाल इस पार्ट को मैं वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करने वाला इन्वेस्टमेंट से पहले वो पार्ट जरूर देख लेना देखो बात मुद्दे पे आते हैं फटाफट से बात करें तो यहाँ पे वेन्यू रहने वाला है नेशनल स्टेडियम कराची तक सारे मैचेस होते हुए आ रहे हैं वेदर क्लियर है रेन का कोई भी चांस नहीं है आपको पूरा मैच होते हुए नजर आएगा पिच है बैटिंग के लिए गुड है जैसा अभी तक टूर्नामेंट में आप देख रहे हो कि दस में से आठ मैच में जो पिच है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर बन रहा है वहाँ पे एक सौ सत्तर के आसपास और एक आधे मैचेस रहते हैं जहाँ पे थोड़ा लो स्कोरिंग रहता है अदरवाइज जो पिच है वो कहीं ना कहीं बोलोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो सत्तर एक सौ अस्सी के राउंड स्कोर का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बट यहाँ पे ध्यान रखना दोनों ही टीम्स के पास बहुत ही क्वालिटी बॉलर्स है तो कहीं ना कहीं उतना ईजी नहीं रहेगा बैट्समैन के लिए बैटिंग करना और आपको थोड़ा कुछ डिफरेंट देखने को मिल सकता है क्या पता आज लो स्कोरिंग मैच देखने को मिल जाए क्योंकि दोनों ही टीम्स के पास बहुत ही अच्छे बॉलर्स अवेलेबल है तो उस चीज़ का देखना कि आज डोमिनेंस बॉलर का बन सकता है बाकी अगर बात की जाए तो एक्सपेक्टेड स्कोर एक के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो बाकी थोड़ा बॉलर अगर दो तीन विकेट जल्दी गिराते तो डेढ़ के अराउंड को टीम को रोक सकते हैं

टीम ने हर मैच में 170 के ऊपर स्कोर किया तो कहीं ना कहीं इनकी टीम की बैटिंग स्ट्रांग है और अच्छा स्कोर कर रही है और खासकर से जो मेन रीज़न है वो है फकर जमान जो कि इन्फॉर्म चल रहा है ओपनिंग करने आने वाला फकर जमान जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है 66 स्कोर किया लास्ट मैच में इससे पहले सेंचुरी लगा इससे पहले फिर सेवेंटी स्कोर किए हाँ थोड़े चांसेस जरूर मिले थे लास्ट मैच में कैचिंग वगैरह ड्रॉप जरूर होता है बट कहते हैं जिस दिन लक जिस प्लेयर का लक चल रहा होता है उसकी कैचे भी छूटती है तो कहीं ना कहीं फकर जमान का वो चल रहा टाइम और डेफिनेटली काफी अच्छी फॉर्म में आप इसे वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी भी कर सकते हो और इसके अगें एम खान है खान के बारे में बात की जाए जो दूसरी टीम का बॉलर है ऑफ स्पिन बॉलर तो यहाँ पे एक, एक एक बॉलर है जो थोड़ा तंग कर सकता है क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और वो ऑफ स्पिन बॉलर है तो कहीं ना कहीं इसकी बॉल पे पावर प्ले मुझे कहीं कही ना कहीं लगता है कि फकर जमान के अगेंस्ट को यूज़ करने वाले एक आधा ओवर जरूर करवाएंगे पावर प्ले में मुबासिर खान का बट स्टिल मुबासिर खान उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि हमारे पास और भी क्वालिटी बॉलर्स प्लेयर्स अवेलेबल है बट बात बता रहा हूँ कि फकर जमान के अगेंस्ट मुबासिर खान को ऑफ स्पिन पावर प्ले में यूज़ किया जा सकता है बाकी यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक भी काफी अच्छा बैट्समैन है पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल खेल चुका है ज़्यादा मैचेस नहीं खेला बट खेला है और जितना मैच खेला है उतना फ्लॉप तो इसलिए इतना कोई खास कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल लेवल पर रहा, रहा नहीं राइट हैंड बैट्समैन है फोर्टी वन एट और चौबीस ये लास्ट तीन मैच की परफॉर्मेंस रही है इसके अगेंस्ट यहाँ पे Uh, बात की जाए शादाब खान जो है उसको यूज़ किया जा सकता है और शदाब खान खुद कैप्टेंसी करता है तो यहाँ पे पावर प्ले में खुद आगे एक आधा ओवर डाल सकता है क्योंकि इनकी पावर प्ले में देखोगे तो सिर्फ इनके पास जो एक लौता बैट्समैन है वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है फकर जमान और बाकी सारे जो बैट्समैन है यहाँ पे जीशन अशरफ को छोड़ के सारे ही राइट हैंड बैट्समैन है तो कहीं ना कहीं शदाब खान के लिए एक फेवरेबल मैच बन सकता है फिर से और यहाँ पे सारे ही राइट हैंड बैट्समैन के अगेंस्ट वो अपना फ़ायदा उठा सकता है बाकी यहाँ पर बात की जाए कमरान गुलाम भी राइट हैंड बैट्समैन है तीस मारे लास्ट मैच में जहां दो ओवर बॉलिंग करी कोई विकेट नहीं मिला यहाँ पे छह रन मारे जहां से पहले फिर से पहले फोर्टी थ्री मारे हर मैच में बॉलिंग नहीं करता सिर्फ एक आधे मैच बॉलिंग करी लास्ट वाले में जिसमें एक बॉलिंग में अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी यहाँ पे इसने हैदर अली की कैच छूट गई थी और लेफ्ट आर्म और थोड़ा स्पिन बॉलर आप जरूर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि पार्ट टाइम बॉलिंग कर लेता है कमरान गुलाम बाकी यहाँ पे है डेविड वी मोहम्मद हफीज ऑफ स्पिन बॉलर अभी लीजेंड लीग भी लीजेंड प्रीमियर लीग लीजेंड लीग भी खेल के आ रहा है Uh, थर्टी सेवन मारे राइट हैंड बैट्समैन है बॉलिंग नहीं की लास्ट मैच में उससे पहले चौबीस रन मारे जहाँ एक ओवर बॉलिंग करी एक विकेट मिला उससे पहले सोलह रन मारे जहाँ कोई भी विकेट नहीं लिया और ओवर नहीं डाला बाकी उसके अगेंस्ट भी शादाब खान को यूज़ किया जा सकता है ध्यान रख के चलना हफीज़ इंपॉर्टेंट बनेगा फॉर्म में उतनी बढ़िया तो नहीं है बट स्टिल बोलूंगा ठीक ठाक फॉर्म में चला प्लस बॉलिंग कर सकता है एक्सपीरियंस है तो इसलिए कहीं ना कहीं मिस नहीं कर सकते जब डेविड वीस के बारे में बात किया तो डेथ ओवर से बॉलिंग करने लगा क्योंकि पहले मैच में जो डेविड वीस ने डेविड दे, वीस ने बॉलिंग नहीं की थी वहाँ पर हरीश श्रॉफ ने डेथ ओवर से बॉलिंग की थी और वहां पर खुशजिल शाह ने हरीश श्रॉफ के लास्ट चार बोल पे बीस रन देते तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से पहला मैच लाहौर हार गई थी तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पावर प्ले में टीम मतलब डेथ के जो तीन ओवर मतलब सत्रह अट्ठारह उन्नीस ओवर जो है वो खुद मतलब यहाँ पे यूज नहीं करने वाले और यहाँ पे डेविड वीस और शाइन अफरीदी खुद डालने वाले तो हारिश रॉफ से पहले ही सत्रह अट्ठारह सत्रह ओवर तक या सोलह ओवर तक अपने उसके ओवर निकलवा देंगे बाकी यहाँ पे डेविड वीस भी इंपॉर्टेंट है दैथ ओवर से बॉलिंग कर सकता है और जैसे लास्ट मैच में दो विकेट दो विकेट भी लिए उससे पहले दो विकेट फिर लिए दो विकेट नहीं जीरो दो ओवर डाले जहाँ कोई विकेट नहीं मिला उससे पहले कोई भी विकेट नहीं मिला सिर्फ लास्ट मैच में दो विकेट मिले और बैटिंग से अभी तक कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूशन रहा नहीं प्लस बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे रहता है तो इसलिए कहीं ना कहीं उतना इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं रहेगा नहीं ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर सकते हो बाकी जीशन अशरफ जो विकेट कीपर है जनरली ओपनिंग किया करता था बट इस साल टीम ने इसको नीचे भेजा तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि जीशन अशरफ हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला इतने मैच में हमारे पास अच्छा सच्चा ऑप्शन अवेलेबल अपोन विकेट कीपर आजम खान बाकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं बोलूंगा मुबासिर खान को यूज किया सकता है ये भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है फकर समान के बाद बाकी सारे बीच के राइट हैंड बैट्समैन है बाकी यहाँ पे राशिद खान आता है जो कि बैटिंग से अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है एक मैच में बाइस मारे एक में सत्रह मारे जहाँ चार ओवर बॉलिंग करी एक विकेट इस मैच में बैटिंग तो नहीं पर चार ओवर बॉलिंग करी एक विकेट चार ओवर बॉलिंग करी एक विकेट अभी राशिद खान की एक बड़ी मतलब बोल सकते हो एक ऐसा मैच आया नहीं इसमें इतने दो तीन विकेट तीन चार विकेट निकाले हो तो कहीं कही ना कहीं वो मैच मैच देखने को मिल सकता है कभी भी आज वाला हो सकता है वाला मैच तो इसलिए आप वाइस कैप्टन कर सकते हो स्मॉल लीग में राशिद खान को और बात की जाए तो इसके अगेंस्ट आहताब खान फिर से बॉलिंग कर सकता है राइट हैंड बैट्समैन है बाकी यहाँ पे बात किया डीन फॉक्सक्रॉफ्ट जो कि एक अफ्रीकन प्लेयर है वैसे न्यूजीलैंड के लिए अपने खेलते हुए देखा होगा डोमेस्टिक सर्किट पे और राइट हैंड बैट्समैन है ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेता है बट लास्ट मैच में ना बैटिंग मिली ना बॉलिंग मिली इसलिए इसको खिलाने का कोई यूज होने और टीम भारी बिठा सकती है इसकी जगह किसी और प्लेयर को मौका दे सकती है बाकी शाहीन अफरीदी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे कैप्टन है टीम का फास्ट बॉलर है चार ओवर दो विकेट चार ओवर एक विकेट चार ओवर तीन विकेट लास्ट टीम मैच की परफॉर्मेंस रही है आप वैस कप्टेंसी कंसिडर कर सकते हैं टीम का कैप्टन है प्लस डेथ ओवर से बॉलिंग करेगा और विकेट टेकर बॉलर है ध्यान रखकर चलना शाहीन अफरीदी अभी तक तीन मैच इसमें छह विकेट निकाल चुका है बाकी अब बात की जाए तो हारिस रॉफ को जरूर ट्राई करना स्पेशल ग्रैंडलिंग में रीजन ये है कि अब डेथ ओवर्स में टीम इससे उतना ओवर करवा नहीं रही क्योंकि पहले मैच में ओवर पिटने के मतलब हाँ टीम को हराने के बाद टीम ने यहाँ पे डेथ ओवर्स में रीस और यहाँ पे शाहीन अफरीदी बॉलिंग करेंगे बाकी स्टिल रॉफ इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि अभी रिसेंट वो, वो कौन से बीपीएल वो बीबीएल बिग बी बैश लीग में अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहा है उससे पहले इंटरनेशनल लेवल भी अच्छी परफॉर्मेंस करिए तो अच्छा ऑप्शन रहेगा स्टिल अपनी टीम में ले सकते हो अगर पास क्रिएट का इशू नहीं आता चार ओवर पूरे करेगा एक आधा विकेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बाकी है जमान खान जो कि फास्ट बॉलर है चार ओवर तीन विकेट चार ओवर एक विकेट चार ओवर जीरो विकेट लास्ट तीन मैच की परफॉर्मेंस रही है ये प्लेयर सिर्फ आपके लिए क्रिएट एडजस्टमेंट के लिए यूज हो सकता है बाकी इससे बढ़िया ऑप्शन तो आपके पास डेफिनेटली यहाँ पे हरिश राव भी रहेगा कि हरिश राव के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है और अभी तक जमान खान ने तीन मैच में चार विकेट लिए है पावर प्ले होता है जो एक से छः ओवर के बीच में जो स्लॉट होता है वहाँ पे आपको शाहीन अफरीदी यहाँ पे जहर जमान खान और यहाँ पे राशिद खान बॉलिंग करते हुए नजर आ सकते हैं और पंद्रह से बीस ओवर जो डैथ ओवर हैं वहाँ आप पे आपको शाहिद अफरीदी शाहिद अफरीदी यहाँ पे राफ़ और यहाँ पे डीवीड वीस बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे ठीक है बाकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे बैंडंग के बारे में अगर बात की जाए तो विकेट कीपिंग करते हुए नजर आए और लास्ट में जो टीम ने बाहर बिठाया था उससे पहले टीम में खेल रहा था पर बैटिंग नहीं मिल पा रही थी एक मैच में सिर्फ नौ रन मारे थे अगर खेलता है तो यहाँ पे ये पहले मैच का है तो उसको हटा देना मलिक को और यहाँ पे मैं बोलूँ तो यहाँ पे आप इसमें समित पटेल भी समित पटेल भी लास्ट मैच नहीं खेला था उसकी परफॉर्मेंस देखोगे तो कुछ खास रही नहीं है बाकी नीचे प्लेयरों के चे, नाम चेक कर सकते हैं इसमें से फिलहाल मुझे लगता है कोई चांस बन पाएगा भी बाकी इंपॉर्टेंट बोलोगे तो मेले बनता है यहाँ पे फ़खर जमान बनता है हफीज़ बनता है यहाँ पे बनता है, बनता है मेले राशिद खान तीसरा चौथा शाहीन अफरीदी पांचवा हारिस रॉफ तो ये कुछ पांच प्लेयर इंपॉर्टेंट बनते हैं पे लाहौर की टीम से अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में बात किया तो इनकी टीम से देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने भी तीन मैच खेले जिसमें से तो दो मैच जीते और सिर्फ एक मैच हारे इनका भी अच्छा है स्कोर है एक सौ बहत्तर एक सौ सत्तानवे दो सौ उनतीस इन्होंने भी एक सौ सत्तर के बार हर बार स्कोर किया तो कहीं ना कहीं दोनों टीम की बैटिंग स्ट्रांग नजर आ रही है दोनों ही टीम ने हर मैच में एक सौ सत्तर से ऊपर ही स्कोर किया और एक एक बार एक सौ नब्बे और एक एक बार एक सौ दो सौ के ऊपर भी स्कोर किया तो दोनों टीम की बैटिंग में कहीं ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है बाकी इनके पॉसिबल पॉसिब्लिंगलेवन जो रहने वाली वो ये है कि एलेक्स हेल्स आपको ओपनिंग करते नो नजर आएगा पहले मैच में मैच विनिंग 82 रन मारे नेट आउट फिर तेईस मारे फिर 22 मारे आ, उससे पहले बिग बैश खेल के आ रहे हैं वहाँ भी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस ऐसे अलेग सेल्स की रही थी और यहाँ पे पावर प्ले में यहाँ पे राइट हैंड बैट्समैन है एलेक्स सेल पॉल स्टर्लिंग तो कहीं ना कहीं राशिद खान खुद आके एक ओवर डाल सकता है तो यहाँ पे ध्यान रखना पावर प्ले में खुद ही राशिद खान इनके अगेंस्ट एक आधा ओवर बॉलिंग कर सकता है क्योंकि ये दोनों डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन और अभी तक दोनों डिस्ट्रक्टिव खेल रहे पहले ही ओवर से मारना चालू कर देते खास से स्टर्लिंग तो काफ़ी डिस्ट्रक्टिवली खेल रहा है और अभी तक सत्रह या अठारह में पहले मैच में हाफ सेंचुरी लगाई थी सत्तावन देन

बाकी तीन में से दो हाफ सेंचुरी कर चुका है बाकी कॉलिन मुनरो आते ही बिग बैश थे एक तो फाइनल जीते इनकी टीम पर, पर स्कॉचर्स के और डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे इसने फिर से एक अच्छी इनिंग खेली सेवेंटी टू रन आउट किया और यहाँ पे इसके अगेंस्ट मोहम्मद हफीज़ को यूज़ किया सकते हैं तो डेफिनेटली आज आपको मोहम्मद हफीज़ एक या दो ओवर डालते हुए नजर आएगा क्योंकि यहाँ पे कॉलिन मुनरो के अगेंस्ट मोहम्मद हफीज़ को यूज़ किया जाएगा लेफ्ट एंड बैट्समैन है कॉलिन मुनरो बाकी शादाब खान के बारे में बात किया लेग स्पिन बॉलर अभी तक लास्ट मैच में चार ओवर में पाँच विकेट तो उससे पहले मैच में इक्यानवे रन मारे और उससे पहले मैच में एक चार ओवर में एक विकेट तो कहीं ना कहीं एक मैच में बहुत

और सेम आसिफ अली के साथ भी आसिफ अली का बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे हो रहा है वर्ल्ड कप में दो मैच जिताए थे अपने दम पे बट थोड़ा बैटिंग ऑर्डर नीचे हो रहा है जीरो और पंद्रह मारे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा देन आता है फहीम अशरफ जो कि एक फास्ट बॉलर है तीन ओवर जीरो विकेट चार ओवर जीरो विकेट चार ओवर दो विकेट मैं आपको बोल रहा था लास्ट को सीजन से फहीम अशरफ को टीम उतना इंपॉर्टेंट प्लेयर ट्रीट कर नहीं कर रही बैटिंग का उतना चांस मिल नहीं पाता और बॉलिंग से तो इसके इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है इसलिए फहीम अशरफ को मैं इतनी इंपॉर्टेंस किसी मैच में नहीं दे रहा हूँ अभी तक तीन मैच से सिर्फ दो ही विकेट निकाल पाया है बाकी क्योंकि डेथ ओवर से भी बॉलिंग नहीं करता और पावर प्ले में बॉलिंग करता है सिर्फ और बीच के कुछ एक आधा ओवर में बॉलिंग कर लेता है बाकी मुबासर खान ऑफ स्पिन बॉलर रहने वाला है आपके लिए एक ओवर जीरो विकेट एक ओवर जीरो विकेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं इग्नोर करेंगे बस फकर अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है लेफ्ट बैट्समैन है हसन अली ने अभी तक तीन मैचों से पांच विकेट लिए इंपॉर्टेंट रहेगा लीडिंग विकेट टेकर बॉलर है यहाँ पे बोलोगे तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे चार ओवर पूरे कन्फर्म करेगा और हजर अली की क्वालिटी ये है कि बैटिंग भी कर लेता है बहुत लंबे छक्के मार लेता है तो हमें इसलिए ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टनसी कर सकते हैं एक टीम में बाकी यहाँ पे है मोहम्मद वसीम जूनियर जो कि यॉर्कर बॉल तो यॉर्कर बहुत अच्छी डालता है और बहुत अच्छी विकेट टेकिंग कैपेबिलिटी यहाँ पे वसीम मोहम्मद वसीम जूनियर के पास है फास्ट बॉलर है और अभी जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट की सीरीज हुई थी उसमें मोहम्मद वसीम जूनियर ने चार विकेट भी लिए थे और यॉर्कर बोलता है तो बहुत परफेक्ट ओवर का डालता है तो कहीं ना कहीं डेथ ओवर से बॉल डाल रहा है तो विकेट मिलने के चांस रहेंगे तो इसलिए मैं मोहम्मद वसीम जूनियर को जरूर प्रेफर करूंगा अभी तक तीन मैचेस में चार विकेट ले चुका है थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता है देन लास्ट मैच में वकास मकसद को मौका मिला जो कि एक बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है नाम आपने ज्यादा सुना नहीं होगा क्योंकि इसको ज्यादा मौका मिल नहीं रहा अदरवाइज अरवाइज़ अगर आप डोमेस्टिक सर्किट उठा के देखोगे तो बहुत ही एक डिस्ट्रक्टिव बॉलर है और विकेट टेकर बॉलर है लास्ट मैच में चार ओवर में एक विकेट लिए बाकी यहाँ पे पावर प्ले में इनके लिए वकास मकसूद हसन अली और यहाँ पे फ़हीम अशरफ और एम खान जो खासकर से फ़कर जमान के अगेंस्ट बॉलिंग कर सकता है मुबासिर खान डेथ ओवर्स में होगा यहाँ पे मोहम्मद वसीम और जूनियर और यहाँ पे आपको हसन अली बॉलिंग करते हुए नज़र आएंगे पंद्रह से बीस ओवर के बीच में बेंच में जो बैटन के स्टैट सब चेकआउट कर सकते हो ठीक है आप ये चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे इनके स्टैट जाके दानिश दानश चंद जिसकी टीम अभी तक यूज़ नहीं कर रही मुझे नहीं पता क्यों यूज़ करे काफ़ी अच्छा लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स ऑलराउंडर है और यहाँ पे इंटरनेशनल भी खेल चुका है बाकी अगर बात की जाए तो लहंगे ने दो मैच खेले जहाँ एक ही विकेट लिया है फास्ट बॉलर है गुरबास तो मुझे चांस बनता नहीं है क्योंकि मुंडरो आ गया है पंद्रह और सत्ताईस ये परफॉर्मेंस रही है विकेट कीपर है और टोपली का कोई चांस मुझे नजर आता नहीं टोपली वैसे अवेलेबल रहेगा क्योंकि इनका जो सीरी... सीरीज पांच से गेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है और ये अब अवेलेबल है और ये जो प्लेयर्स आप चेकआउट कर सकते हो ज़्यादा इनके बारे में डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है तो इंपॉर्टेंट प्लेयर बोलोगे तो यहाँ पे मैं मुझे लगता है यहाँ पे एलेक्स हेल्थ आपको इंपॉर्टेंट रहेगा स्टर्लिंग मुनरो शादाब विकेट कीपिंग में आजम और बॉलिंग में हसन अली मोहम्मद वसीम जूनियर ये इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए देखो इस ऐप की टीम आप किसी भी ऐप में लगा सकते हो डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्रेट का इशू आएगा अदर ऐप में जैसे मैं आपको जो टीम बन दूंगा वो विदाउट क्रेट इस ऐप की टीम दे रहा हूँ बाकी जो टीम टू दे रहा हूँ वो जिस ऐप आप में आपको क्रेट आने वाला ऐप की टीम है ठीक है तो फाकिफ फ्ररावट से बात की जाए तो मेरे अकॉर्डिंग टीम इस ऐप की रहेगी यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने लिया है आजम खान को यहाँ पे मैंने लिया है एलेक्स हेल्स को मुनरो को जमान को और स्टर्लिंग को ये मैंने चार प्लेयर लिए हैं ध्यान रख के चलना और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे फिर मैं नीचे देखोगे तो आप ट्राई कर सकते हो वैसे क्रिएट का थोड़ा बहुत इशू आएगा बट आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक को और यहाँ पे कमरान गुलाम को ये कुछ ऑप्शन रह सकते हैं बट मैं चारों फ्रंट लाइन बैट्समैन के साथ गया हूँ जो कि थोड़ा डिस्ट्रक्टिव है बाकी मैंने लिया मोहम्मद हफीज़ को शादाब खान को ऑलराउंडर में बाकी अगर बात किया तो हफ वीस को लीग में ट्राई करना अशरफ को मैं इतनी रेटिंग नहीं दूंगा और यहाँ पे समित पटेल बाहर बैठा फॉक्स कॉट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी बॉलिंग में मैंने लिया है यहाँ पर मकसूद को क्योंकि थोड़ा क्रेट का इशू आ रहा है अदरवाइज मैं यहाँ पे लेना ज़रूर चाहूंगा मससूद की जगह मोहम्मद वसीम जूनियर को उस केस में आपको एक बैट्समैन ड्रॉप करना पड़ेगा बड़ा जैसे कि पॉलिश टलिंग वगैरह उस केस में फिर ले सकते हो बाकी मैंने अफरीदी को लिया हली अली को लिया यहाँ पे मैंने लिया है खान को आप यहाँ पे वसीम वसीम जूनियर के साथ जा सकते हो और दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे हारिस रॉफ है ध्यान रख के चलना हारिस रॉफ भी इंपॉर्टेंट बन सकता है बट देथ ओवर्स में मेरे को लगता है बीस और वो बॉलिंग करने वाले ज़्यादातर शाहिन अफरीदी और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन मुझे इतना खास नज़र आता नहीं है ठीक है मोहम्मद हसीन जूनियर इंपॉर्टेंट रहेगा कैप्टनसी में देखे जाऊँगा यहाँ पे शादाब को वाइस कैप्टनसी में देखे जाऊँगा यहाँ पे फ़खर जमान को और अगर थोड़ा डिफरेंट जाना है तो फ़खर जमान की जगह वाइस कैप्टनसी आप यहाँ पे राशिद खान या फिर शाहीन अफरीदी के साथ जा सकते हो और आपके पास और वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन यहाँ पे एलेक्स हेल्स है मोहम्मद हफीज़ है तो इनको ट्राई कर सकते हो मुनरो है बाकी ये जो दो टीम देने वाला हूँ ये 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 रहेगी जैसे ऐप में क्रेडिट का इशू आएगा डी एलेवन आप की टीम है ठीक है चलना ड्रीम की ड्रीम के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैंने ये टीम बनाई उसके लिए यहाँ पे आप आपको क्रेडिट का इशू आएगा मैंने जमान खान लिया यहाँ पे तो ये जस्ट मैंने चेंज किया आप ये चेंज कर सकते हो वहाँ पे और यहाँ पे ग्रैंड लीग की टीम वन जो रहेगी मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए वो ये रहेगी ग्रैंडली की टी ये टीम टू रहेगी थोड़ी मैंने बॉलर्स को फेवर बना के बनाया क्योंकि अगर थोड़ा सा ही बॉलिंग पिच अगर बॉलर के लिए फेवर करते हैं मैंने बड़े बड़े बैट्समैन ड्रॉप हैं और कहीं ना कहीं लो स्कोरिंग रहता है उस मैच केस में ये टीम अच्छी कर सकती है और ग्रैंडली की टीम थ्री ये रहेगी ठीक है, रहे है। हमें विकेट कीपर चेंज करा बाकी स्मॉली प्लस ग्रैंड की जो फाइनल अपडेटेड टीम होगी वो आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर उसका लिंक वीडियो के नीचे कमेंट में मिल जाएगा सबसे ऊपर ब्लू कलर का लिंक होगा जैसे इस पर क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा ज्वाइन कर लेना है बाइक की पिक के की ऊपर देखो बाइक के ऊपर रीजन है तीनों ही चार चार ओवर करने वाले हैं और दो दो विकेट में कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बात की जाए तो राशिद खान और हसन अली बैटिंग भी कर लेते हैं और अफरीदी तो डेथ ओवर्स में काफी अच्छी बॉलिंग करता है प्लस पावर प्ले में तो इसलिए चार चार ओवर के बेस में दो दो विकेट प्लस एक आधी कैच और क्लब कैसे कम यहाँ पे राशिद खान सनील से कुछ रन भी एक्सपेक्ट करता हूं बाकी मिलते हैं में टेलीग्राम पे जय हिंद दोस्तों बाय बाय